नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं प्राउडली गौरव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गांव डिडीहाट पिथौरागढ़ में आया हुआ हूं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे जो पहाड़ के पुराने घर होते थे वो किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसा उसका आर्किटेक्चर होता है। और साथ ही मैं आपको फुलदेई त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं पहाड़ के पुराने घरों में। साथियों, जो जिन पहाड़ी घरों के बारे में आपको मैं बता रहा था वो यहाँ से कुछ ही कदमों के दूरी पे हैं। जो ये दो घर आप सामने देख रहे होंगे ये पुरानी शैली में हैं और बाकी जो आप घर देख रहे हैं इस गांव में वो सब नई तरीके से बन गए हैं। तो चलिए आपको इन घरों के पास ही ले चलते हैं सीधे। तो साथियों, जिस घर के बारे में आपको मैं बता रहा था वहां मैं पहुंच गया हूं और पीछे जो आप घर देख रहे हैं इनके जो मालिक हैं वो आप ही हैं। आपका नाम क्या है? देवकी देवी। कितना साल हो गया है? हो गया है 40-50 साल। 50 साल तो हो गए। और ये घर कब से बना हुआ है? कब का बना हुआ है? ये कब का बना हुआ है पता नहीं, बहुत ही साल हो गए। ये घर तो बनाया 60-70 साल हो गए होंगे। हाँ, ज्यादा ही हो गए। ज्यादा हो गए हैं, 80 साल हो गए लगभग। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर आप दिखाएंगे अपना घर? चलिए फिर चलिए। यहाँ इस तरफ नीचे क्या है? ये गाय बांधने वाला गोट है। तो साथियों, थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा यहाँ पे और ये गोट है, इसकी हाइट देखिए आप। यहाँ पे गाय बछड़ों को बांधा जाता है, बकरी भी बांधते हो यहाँ पे? हाँ, बकरी भी, गाय भी, सब बांधते हैं। ठीक है ठीक है। तो यहाँ से फिर तब हम बाहर जाते हैं। हाजी, थोड़ा पुराना टाइम का, थोड़ी हाइट छोटी है इसकी, तो आपको यहाँ फिर यहाँ गाय भी बहुत छोटी छोटी होती है तो इस वजह से इतनी ही हाइट है। और फिर ये इनका घर है, आइए अपने घर के अंदर ले चलिए। अब गौर अहली हुआ मारे यहाँ टाइम। तो ये जो है ये लकड़ियों के दरवाजे हैं, इनका डिजाइन देखिए आप। और ये काफी छोटे होते हैं साइज में। और यहाँ से फिर अभी हम अंदर चलेंगे। जैसे ये आप यहाँ नीचे ये फूल देख रहे हैं, तो आज फूलदेई का त्योहार है, इस वजह से यहाँ पे दरवाजे पे फूल बिखरे हुए हैं, सजाए हुए हैं। और उसके बाद फिर इसके अंदर क्या है? सोने वाला कमरा। यहाँ जिस तरह से फोल्ड नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, यहाँ टाइम ही नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। तो साथियों, फिर एक कमरा यहाँ पे ये है और इस तरह के फिर कमरे उसी तरह के होते हैं जैसे सब जगह होते हैं। ये है खाली गुर्गा नहीं। ये है एक कमरा और यहाँ से फिर इस तरफ क्या है? इस तरफ तो खाली रखा है, ये वो कूड़ का बाहर रखा है जी। तो यहाँ भी फिर पहले कमरा होगा यहाँ पे। हाँ, बाद बनाने वाले हैं ये अब। और यहाँ पे जैसे ये खिड़कियाँ जो यहाँ की, अब यहाँ नीचे गिरोगे वहाँ वो। ये इस तरह की खिड़कियाँ होती है, देखिए इसको इस तरीके से बंद किया जाता है। देखिए यहाँ से फिर ये ऐसे करके इस तरीके से बंद किया जाता है इन खिड़कियों को। और बड़ी मतलब छोटी खिड़कियां होती है यहाँ पे भी। और फिर इस तरफ ये आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे ये दरवाजा है और फिर दरवाजे को इस तरीके से बंद किया जाता है। फिर इससे ऊपर भी कुछ है? क्या है ऊपर? रहते हैं ऊपर में, आप रहते हो ऊपर। तो साथियों, फिर ये सीढ़ियां हैं और यहाँ से काफी छोटी सीढ़ियां हैं, यहाँ से ऊपर से लेके चलते हैं आपको। कैमरामैन से गुजारिश है, आप भी आराम से आइएगा। अब हम यहाँ पर दूसरी मंजिल में आ गए हैं और दूसरी मंजिल से देखिए ये खिड़कियां, जैसे मैंने आपको बताई थी उसी तरह की खिड़कियां यहाँ पे। और आंटी अम्मा, ये क्या है इधर? यहाँ अलमारी। ये अलमारी है, दिखाएंगे अलमारी। हाँ। साथियों, लकड़ी की अलमारी बनी हुई है ये, और देखिए किस तरीके से पत्थरों के घर पे इस तरह की ये अलमारी बनाई गई है। लगभग 60-70 साल इन अलमारियों को हो गए होंगे और आज भी ये वैसी है जैसे पहले थी। और फिर इस तरफ आगे क्या है? और कमरा है यहाँ। फिर यहाँ पे फिर ये बेड है, देखिए नीचे, देखिए ये पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। तो
तो साथियों फिर एक कमरा ये है, और मतलब मेनली इसी तरह के घर होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो साथियों अभी हम सेकंड फ्लोर में थे, और यहाँ से फिर हम नीचे को वापस जाने वाले हैं। और नीचे आते वक्त देखिए, बड़े आराम से आना पड़ेगा कि बहुत पुराना घर है ये। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खिड़कियां बना रखी है सामान वामान रखने के लिए। मतलब गेट बंद करने का मतलब यही तरीका होता है, ये कुंडा होता है, इस तरीके से गेट बंद करे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम वापस नीचे को चलेंगे। इसकी हाइट काफी छोटी है इनके ये घरों की, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे ही रहता होगा। साथियों ये फिर मैंने आपको जो पहाड़ के पुराने मकान होते हैं वो दिखाए, और जो स्थिति है थोड़ी खराब हो रखी है, क्योंकि दोबारा से उसका रेनोवेशन करना होता है मकान का। तो अम्मा ये मकान अब ऐसे ही रहेगा या फिर इसको आप फिर चेंज तोड़ के नया बनाने वाले हो? तोड़ के नया बनाने वाली। क्यों बनाने वाले हो नया? ऊपर से छत टपकती है, वो पाथर है ऊपर, वहाँ से हम ऊपर सोते हैं तो सब शर्मा आता है वो पानी। अच्छा। तो नीचे भी ऐसे ही हो गया, ये टूट गया। तो साथियों मतलब काफी टाइम से 50-60-70 साल हो गए इस मकान को, और धीरे धीरे करके अब ऐसे जो इस तरह के मकान है वो विलुप्त होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आज से 10-12 साल बाद हम मुश्किल से एक दो घर ही देख पाएंगे अपने पूरे पहाड़ में। तो ये हमारी एक तरह की संस्कृति है, ये हमारा एक तरह का रहने सहने का रिवाज है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो नए लोग हैं जो शहर पहुंच चुके हैं और अपने गांव घरों को भूल चुके हैं, वो इस तरह के घर देखेंगे और कहीं ना कहीं उनको अपने जो इतिहास है उसके बारे में मालूम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको घर भेज दीजिए। हाँ, जो उनको सीधे इन घरों में भेज दीजिएगा। तो अम्मा कह रही है कि जो बाहर चले गए हैं वो वापस अपने घर वापस आ जाइए। ठीक है, धन्यवाद।